राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम लोग चले हैं बीट का सेकंड खाद डालने के लिए, और यहाँ पे काम हो रहा था अभी खरपतवार का पूरा हम लोग यहाँ खेत से निकाल के फेंक दिए। और यहाँ पे बात करें बीट का बात करें तो काफ़ी अच्छा फसल अभी तैयार हो चुका है। ये मेरा दूसरा खाद जा रहा है इस वीडियो में, और उधर लगा है गाछी वाला जो कि वो काफ़ी छोटा छोटा है, और ये साइड था नर्सरी तैयार करके जो लगाए थे सो बीट है, जो कि आप यहाँ पे देखिएगा तो खरपतवार कहीं नज़र नहीं आएगा। एक दो जो है खरपतवार वो पौधे के काफ़ी बीच में होंगे, इस कारण से वो छुटे हुए। बाकी इधर का बात करें तो इधर पूरा साफ करके रखे, और इसमें मिट्टी भी तो किसान भाई यहाँ पे हल्का शोर हो रहा होगा क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह आसपास में जा रहे हैं। और यहाँ पे बीट का बात करें, हम लोग बीट पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो मिट्टी देने का तरीका हम लोग का है, पहले तो बुआई इस जगह पे हुआ था, फिर उसको खरपतवार हटाने के लिए कोड़े इसको पूरा मिट्टी को भर का आए, और अब जो मिट्टी दिए वो पौधे के बीच में है, ये पूरा बीच में है ये पौधा। यहाँ पे इतना एक बीता का भीड़ है, अच्छा बीट बैठेगा, इतना बड़ा बड़ा साइज बीट का होगा। यहाँ पे गौर कीजिए तो इस जगह पे भी आपको बीच बीच में नज़र आएगा और खरपतवार नहीं है। तो इस तरह करके हम लोग बीट का बुआई भी करते हैं, खरपतवार हटाने के बाद उसको कोड़ा करने यानी कोड़ खर के हटा देने के बाद जो बीट में फिर मिट्टी चढ़ता है वो बीचों बीच चढ़ता है, और फसल उस तरह आपका अच्छा से तैयार होगा, और आपका फसल का जो बैठने का तरीका वो अच्छा बैठेगा, धूप नहीं लगेगा, अब फटेगा नहीं। अब मिट्टी रहेगा तो फटेगा नहीं, अब मिट्टी नहीं रहेगा बाहर निकलेगा तो फटना चालू हो जाएगा, ख़राब होना चालू हो जाएगा, तो वो सारा चीज़ होता है। तो अभी हम लोग चले खाद पे और खाद दिखाते कौन कौन सा मेरा खाद है। ये सेकेंड खाद जा रहा है, इसके बाद कोई खाद नहीं जाएगा, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और पिछले बार वीडियो में जीवामृत का भी स्प्रे हो चुका है इसमें, तो बीट इससे दोगुना बढ़ेगा क्योंकि इसमें कुछ नेचुरल खाद जो हम लोग बना के खुद डाले हैं घर में, तो वो सारा भी खाद इसमें पड़ चुका है। गोबर भी पहले बुआई करने से पहले गोबर भी डाले, फिर जीवामृत डाले, फिर थोड़ा सा डीएपी और सल्फेट का यूज़ किए थे उस समय जिस समय गाछ छोटा था। अब गाछ में डीएपी वगैरह सल्फेट वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहा, और यहाँ पर पौधा काफ़ी बड़ा बड़ा है। और अभी चले हम लोग दूसरा खाद डालने के लिए, तो फटाफट अभी खाद दिखाते हैं आप सभी को क्या है। भाइयों यहाँ पर अभी एक हाथ से वीडियो बनाना होगा, और ये मेरा जो रहा डीएपी, जो कि बताते काम क्या करेगा। ये डीपी पौधे को हरा करके रखेगा और मजबूत बना के रखेगा, जैसे कि आपका पौधा इस तरह फीकापन दिख रहा है कहीं कहीं पे, तो ये पौधा इस तरह का रंगत में आएंगे हरा और पूरा रेड रहेंगे। तो ये चीज़ डीएपी का काम करेगा, लंबा वगैरह कुछ नहीं करेगा, बस हरा करके रखेगा और कुछ नहीं। इसके बाद है आपका और है, दिखाते एक हाथ से वीडियो बन रहा है और एक हाथ से यहाँ पे प्लास्टिक में भी कुछ खाद, जो कि एक एक केजी हम लोग लाए हैं, तो यहाँ पे खोल लेते हैं, खोलने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा। सेकेंड खाद है फॉस्फेट है, ठीक है। यहाँ पे ये मिट्टी को ठंडा करके रखेगा और पौधे को गलने सड़ने और फटने से रोक के रखेगा। फॉस्फेट ये है, फॉस्फेट पाउडर जैसा, इसके नीचे खुद फेट के ही लाए हैं, और इसके नीचे है हमारा पोटास, जो ये रेड रेड दिख रहा है ये पोटास है, ये जो रेड रेड आप सभी को नज़र आ रहा है इस वीडियो में, यहाँ पे देखिए ये रेड रेड है, ठीक है। ये है पोटास, पोटास करेगा कि बीट का जड़ को ठंडा रखेगा, बीट को ठंडा रखेगा, बीट का जड़ को मजबूत करेगा, और जड़ में किसी तरह का बीमारी को लगने नहीं देगा। और जड़ में बीमारी नहीं लगेगा तो पौधा आप सभी का अच्छा रहेगा, और पौधा अच्छा रहा तो आपका फसल अच्छा रहेगा कुल मिला के। तो अभी हम लोग इसको फटाफट हम लोग यहाँ पे भी फेंट लेंगे और दिखाते हैं कि कितना कितना, बात करते हैं कितना केजी है। तो फॉस्फेट है आपका 1 किलो, पोटास है आपका 1 किलो, और डीएपी है 2 किलो। तभी हम लोग टोटल इतना ले आए हैं, इसको पलटी करके यहाँ पर खाली करके फेंटते हैं फटाफट, और जल्दी जल्दी देने का कोशिश करते हैं क्योंकि शाम का 3 बज चुका है, और कुछ देर में भी शाम ढल सूरज ढल जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा और वीडियो में पता नहीं चलेगा कि क्या बन रहा है। तो ये हो गया, इसको छाड़ते खेत में, जा रहा है मेरा ये पोटास फॉस्फेट और डीएपी। ये जड़ को ठंडा रखेगा, मिट्टी को ठंडा रखेगा, जड़ को मजबूत बनाएगा, जड़ में बीमारी नहीं लगने देगा, सारी चीज़ को रोग का इलाज है इसमें पोटास में। तो अभी हम लोग इसको अच्छे से चूर कर लेते, थोड़ा थोड़ा पत्थर है, और उसके बाद देखते हैं हम लोग फटाफट।
यहाँ पे हम लोग फेंट लिए और हाथ पूरा वाइट वाइट हो गया। और देने का बात करें तो अभी आप सभी को दिखाते देना कैसे, ऐसे थोड़ा सा लेना है खाद को और यहाँ पे जो फसल है मेरा इस बीच में हल्का हल्का ऐसे करके गिरा देना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मात्रा में गिराना है, इस बीच में ऐसे करके गिरा देना है। इस तरह कुछ करके आपको वापस लेना है खाद एक मुट्ठा में और हल्के हल्के मात्रे में ऐसे देना, ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि इसमें नेचुरल खाद भी पड़ चुका है जो कि हम लोग घर में बनाए। और ये जो खाद जा रहा है बस बीमारी से बचाने के लिए, वो तो मेरा जितना भी है इसको मिट्टी में चाहिए पोषक तत्व तो वो इसको मिल जाएगा, अब इसको हमको बचाना। तो फटाफट हम लोग अभी देते हैं। वायरलेस माइक मेरे पास अभी है नहीं, कुछ दिन बाद डिलीवरी फिर से होगा, वो माइक में इशू हो रहा था इस कारण से उसको रिटर्न कर दिया। तो अभी हम लोग फटाफट पहले दे लेते हैं, आपसे फिर सिंचाई करने के समय बात करते हैं, या तो सिंचाई के समय हम नहीं रहेंगे तो मम्मी सब रहेगी, तो उस समय का क्लिप थोड़ा बहुत लेकर रखेंगे। तो किसान भाइयों यहाँ पे हो गया कंप्लीट मेरा खाद दिया हुआ। पहला खाद था पोटास, डीएपी और फॉस्फेट था, जो कि तीन खाद पड़ा और ये तीसरा बार खाद जा रहा है। एक बार डीएपी सल्फेट पड़ा, उसके बाद जीवामृत बनाए थे उसका डाले और अभी जो डाले ये सब चीज़। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप सभी कमेंट करना और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी सिंचाई करेंगे क्योंकि सिंचाई करने में टाइम लगेगा, इस कारण से इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और सिंचाई का बन पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और नहीं तो सिंचाई करना ज़रूरी है खाद डालने के बाद। याद रखना खाद डालने के बाद सिंचाई करना जरूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए। तो अभी फटाफट इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और यहाँ पे ये रहा मेरा लास्ट बार बीट का लोकेशन और बीट का फसल। पापा उधर अभी पानी सिंचाई करने के लिए झोरा बना रहे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।